इधर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में झारखंड के दो नेताओं को जगह दी गई है, एक अर्जुन मुंडा, दूसरे दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बीजेपी ही इस तरह सम्मानित कर सकती है। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता चित्रंजन ने। लोकसभा चुनाव का चुनावी समर दिखने लगा है, बीजेपी एक कदम आगे चल रही है और बीजेपी स्टार प्रचारकों की भी सूची तैयार कर ली। बीजेपी के स्टार प्रचारक दीपक प्रकाश जी, पहले तो सबसे पहले आपको बधाई हो कि बीजेपी की जो स्टार प्रचारकों की जो सूची बनी, झारखंड से दो नाम है, एक अर्जुन मुंडा, एक दूसरे आपका नाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ डिफरेंस है, इसलिए हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के हैसियत से मुझे पार्टी ने सौभाग्य दिया है जमीनी स्तर पर काम करने का, और इसलिए पार्टी को मजबूत करने का और साथ साथ में वोटों का को इजाफा करने का। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी समर्थ भारत और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने में, इस महायज्ञ में मुझे सहयोग करने के लिए पार्टी ने अवसर दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भारी हूँ। जिम्मेवारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को, वॉल राइटिंग करने वाला कार्यकर्ता को, दीवालों में झंडा लहराने वाले लोग कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का सम्मान दिया तो मैं तो भाव। गठबंधन ने तीन प्रत्याशियों की सूची जो जारी की है, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, कैसे देखते हैं? हारने वाले लोग की सूची कांग्रेस ने प्रकाशित की है। डूबती नैया में कुछ लोग सवार होकर के प्रत्याशी बनने का काम किए हैं। जब राहुल की जमानत जब्त होगी, राहुल जी गांधी की, सोनिया जी लोकसभा चुनाव लड़ने से डर रही हैं, कमलनाथ चुनाव से लड़ने से भाग रहे हैं, तो इनकी लोग जो चुनाव लड़ने की जो अभिलाषा है वो अंतिम अभिलाषा इस चुनाव के परिणाम के बाद दिखेगी। बीजेपी के कई नेता जो है वो दिल्ली पर हैं, कांग्रेस मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं, कांग्रेस में शामिल हैं। रविंदर पांडे का नाम है, पूर्व भाजपा के रांची के सांसद रामटल चौधरी। निर्णय लेने का काम उनका है, ये लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू है कि हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन सच है कि मरियल घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता है। बाकी राज्यों में बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में तस्वीर उल्टी दिख रही, बीजेपी के नेता दूसरे दलों में जा रहे हैं। सीता सोरेन जी आई कि नहीं आई? सीता सोरेन, गीता कोला आई कि नहीं आई? यहाँ से तीन तीन लोग चले। इसीलिए कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, नेता के आने और जाने से कोई असर पार्टी में नहीं पड़ता है। रांची से रामटल चौधरी का नाम कांग्रेस में चल रहा है, क्या लगता है महत्व फैक्टर से चलेगा रामटल चौधरी के पीछे, जो उनके वोट बैंक से जात के वो उनके पीछे चलेंगे? पिछले बार रामटल चौधरी चुनाव लड़के, चुनाव का परिणाम उनके सामने, जब जब भाजपा में रहे हैं उनको प्रतिष्ठा बढ़ी है और हमारे भी सम्मानित तो नेता रहे हैं और मैं उनको अच्छे दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे कि कल उनको प्रायश्चित करना पड़े। तो बीजेपी में नेता जो हैं वो अपने फ्यूचर को तलाश रहे, वहीं जो नेता बीजेपी छोड़ के जा रहे वो डूबती नैया में, नाव में तैर रहे हैं। ऐसे में कई चीज़ें झारखंड को लेकर चल रही, और झारखंड में भी 14 के 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कैसे जीतेगी, इसको लेकर बीजेपी लगातार मुहिम बना रही है। सहयोगी पिंटू के साथ चित्रंजन कुमार, TV45 रांची।